अब जो मेटल्स हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज रहते हैं, हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कौन होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये किसी चीज से रिड्यूस नहीं होते और ये अपने आप में महंगे होते हैं। यानी कि अगर आप इसको रिड्यूस करने को जाओगे भी तो जो दूसरा मेटल है जो आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे वो भी क्या होगा, बहुत महंगा रहेगा। तो आप उसको इसलिए क्या नहीं करते, रिड्यूस ऐसे नहीं करते। आप उसमें सिंपली क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हो। कैसे, जैसे सोडियम जो है वो नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट किस फॉर्म में मिलता है, NaCl के फॉर्म में। किस फॉर्म में, तो हम लोग NaCl से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। NaCl से क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मुझे Na मिल जाता है और Cl2 गैस मिल जाती है। Na कहाँ मिलता है, Na मुझे मिलता है कहाँ पर, कैथोड पे, क्योंकि Na पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। और जो क्लोरीन गैस रहती है वो कहाँ इवॉल्व होती है, एनोड में। होता क्या है, इन सोल्यूशन NaCl इवेंचुअली क्या में ब्रेक हो जाएगा, Na+ और Cl-। अब बहुत ध्यान रखना, ये जो NaCl है ये मोल्टन NaCl, ये कौन सा NaCl होता है, मोल्टन, क्योंकि आप इसमें पानी नहीं मिलाओगे, क्योंकि आप इसमें पानी नहीं मिलाओगे। अगर तुमने इसमें पानी मिला दिया तो ये बन जाएगा ब्राइन। ये क्या बन जाएगा, ब्राइन, जो हमने कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था, NaOH बनाने के लिए। तो आप इसमें पानी मिक्स नहीं करोगे, हम NaCl का एक्वस सोल्यूशन नहीं बना रहे, क्योंकि अगर हम लोग NaCl का एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो उसे ब्राइन बोलेंगे। और ब्राइन हम लोग क्यों बना रहे, जब हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता था, क्या चाहिए होता था, यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, मोल्टन NaCl ले रहे हैं। यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, मोल्टन NaCl ले रहे हैं, जो NaCl काय में ब्रेक होगा Na+ और Cl-। अब ये जो Na+ और Cl- में ब्रेक हुआ एट कैथोड, एट कैथोड अमीर होता है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैथोड क्या होता है, अमीर होता है, उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके पास कौन जाएगा, Na+ जाएगा। कौन जाएगा उसके पास, Na+। ये Na+ को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये क्या बना लेगा, Na। एट एनोड क्या होगा, एट एनोड 2 क्लोराइड आयन जाएंगे। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड से ले लेता है, क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन किसको देता है, एनोड को, और खुद क्या बना लेता है, Cl2 गैस। खुद क्या बना लेता है, Cl2 गैस। अब ये बात समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मेटल्स हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज। बोलो, कोई परेशानी, मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज, ये सारी प्रोसेस कर भी लेते हैं। इसके बाद भी कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। इसके बाद भी क्या होता है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। और इस इम्प्योरिटी के रिमूवल के लिए हम लोग के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के केस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो पास करनी है। यहाँ से जो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इस तरह की रिफाइनिंग में आप कैथोड क्या लोगे, आप एनोड क्या लोगे और आप इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे। तो हम लोग कहते हैं, देखो कैथोड तो हम लोग क्या लेंगे, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। क्या लेंगे, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, ठीक है। एनोड क्या लेंगे, तो हमने बोला थिक स्लैब ऑफ इम्प्योर मेटल। एनोड क्या लेंगे, थिक स्लैब ऑफ इम्प्योर मेटल, ठीक है ना। फिर मुद्दा इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा कौन सा लिक्विड लोगे जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। तो हम लोगों ने बोला सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल। क्या बोला, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल, ठीक है ना। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो क्या दे रखा है, कॉपर का, कि हम लोग कॉपर, प्योर कॉपर की एक थिक स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप लेंगे,
प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर का एक थिक स्लैब लेंगे और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे एज आर इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो होता क्या है, बहुत ध्यान से देखो। ये क्या है मेरा एनोड है, ये क्या है मेरा कैथोड है, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है, प्योर कॉपर है। ये क्या है, इम्प्योर इम्प्योर कॉपर है, ठीक है ना। और यहां पर मैंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो कॉपर सल्फेट है, ये जो कॉपर सल्फेट है, ये काय में ब्रेक हो जाएगा, Cu2+ और SO4 2-। बहुत ध्यान से देखना। अब ये जो Cu2+ है, ये जो Cu2+ है, ये सोल्यूशन में से, इलेक्ट्रोलाइट में से कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास। कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास। कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास। तो ये कॉपर आयन, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। जब ये कैथोड के पास जाएगा तो ये कैथोड से क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, कॉपर मेटल। और कॉपर मेटल क्या करेगा, वही जाके कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ होगी, एट कैथोड। बट एक प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ कि सोल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयन्स की क्या हो गई, कमी। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर आयन्स की कमी हो गई, तो ये जो मेरा एनोड है, ये जो मेरा एनोड है, एनोड से जो इम्प्योर कॉपर है, इसमें से कॉपर आयन्स कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में। कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में। यानी कि एट एनोड क्या होगा, बेसिकली जो मेरे पास कॉपर है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आयन में। और दो इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देगा, एनोड को। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिए, एनोड को। और ये जो कॉपर आयन से, ये कहाँ चले गए, इलेक्ट्रोलाइट में। कहाँ चले गए, अब फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आयन कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पे। कैथोड पे क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेके और कैथोड पे ही डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एनोड से क्या होगा, जो कॉपर रहेगा वो क्या बन जाएगा, कॉपर आयन। कॉपर आयन बन के ये कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट से फिर कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली, कि एनोड से जो कॉपर है वो उतर के कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ चल जा रहा है, कैथोड पे। यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जो मेरा ये कैथोड है, एनोड है, ये क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और ये जो कैथोड है, ये क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, क्योंकि इस पे कौन डिपॉजिट होता जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। क्लियर है। और जब हमारी रिएक्शन काफी कंप्लीट हो जाएगी और हमें लगेगा कि अब ज्यादा कॉपर नहीं बचा है, बहुत थिन स्ट्रिप हो गई है किसकी, एनोड की, तो एनोड जब बहुत पतला हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां से मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर शॉर्ट कर देंगे और रिएक्शन प्रोसेस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। जब रिएक्शन खत्म होगी, तो हम लोग देखेंगे कि एनोड के नीचे कुछ डिपोजिशन दिखता है। ये बेसिकली वो इम्प्योरिटीज होती है जो कैथोड पे चढ़ नहीं पाती, क्योंकि कैथोड पे तो सिर्फ आयन चढ़ेगा, इम्प्योरिटीज के ऊपर तो चार्ज नहीं होता, तो कैथोड पे सिर्फ कौन चढ़ेगा, आयन चढ़ेगा। कौन सा, प्योर कॉपर आयन चढ़ेंगे। और जो इम्प्योरिटीज होगी वो किस फॉर्म में दिख जाएगी मुझे, एनोड मड के फॉर्म में। कभी कभी एनोड मड में आपको नोबल मेटल्स मिल जाते हैं, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा रिफाइनिंग वाला प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा मेटलर्जी भी।